अरे वो छड़ी है, अरे बहुत ठंड है। से रोते क्यों हो बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, रो मत। रोने से समस्या का समाधान थोड़े ही होता है। समस्या का समाधान तो समस्या को सुलझाने से होता है, और समस्या सुलझती है सोचने से। इसलिए रोना बंद करो और सोचो कि इसका हल कैसे निकाला जाए। कौवे अंकल की बात सुनकर छोटू कौवे को अपने ऊपर भरोसा आ गया, और अब उसने रोना बंद करके सोचना शुरू किया। आइडिया, हम भी इन इंसानों की तरह आग जलाएंगे। अरे पागल हो गए है क्या? आग जलाएंगे? कभी कौवे ने भी आग जलाई है क्या? बात करता है। बात करता है। ओफो, एकदम शुभ हो जाओ। शांति शांति शांति। देखो बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, और तुम इसे चैलेंज की तरह लो। जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। ये इंसान जो तुम आज देख रहे हो, ये भी कभी आग जलाना नहीं जानते थे। इसलिए कौन क्या कहता है इसकी परवाह मत करो, और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करो, और हम तुम्हारे साथ हैं। अब छोटू कौवे ने वापस सोचना शुरू किया। वह कई देर तक आग को देखता रहा, और तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। हमें आग जलाने के लिए सबसे पहले सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है, इसलिए सबसे पहले सभी आसपास से सूखी लकड़ियां लाकर यहाँ इकट्ठी कर ले। चलो जाओ, सोच क्या रहे हो? ये जैसा कहता है वैसा करो। कौवे अंकल के कहने पर सभी आसपास उड़ गए, और वहां से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर ले आए। लो, लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई, अब इसका क्या अचार डालें? बोलो बोलो, अब इसमें आग कैसे लगाएंगे? छोटू कौवा यह सुनकर निराश होने लगा और सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद, बेटा इन्होंने सबसे पहले आग पत्थर को टकराकर लकड़ियों को आपस में रगड़कर जलाई थी। लकड़ियों से लकड़ियों में आग जलाने का तरीका तो मेरा देखा हुआ है। इसमें रस्सी के सहारे हम
एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी के ऊपर रखकर जोर जोर से घुमाते हैं और कुछ देर बाद घर्षण के कारण आग जलने लगती है। अंकल क्यों ना हम भी वैसे ही आग जला लें? अरे वाह बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तो अंकल हमें आग जलाने के लिए रस्सी चाहिए। एक काम करते हैं, हम बेल को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और लकड़ी पर बेल लपेटकर दो कौवे उसे घुमाएंगे तो हम इंसानों की तरह आग जला सकते हैं। छोटे कौवे की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और अब जैसे उसने कहा वैसा करने लगे और कुछ ही देर बाद लकड़ी से आग जलने लगी। ये! शाबाश बेटा, मैंने कहा था ना रोने से कुछ नहीं होता। समस्या आई है तो इसका समाधान करो।